टोक्यो पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। सोमवार तक भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, लेकिन मंगलवार को एक बार पुनः भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 3 पदक और अपनी झोली में डाल लिया। अब भारत के पदकों की संख्या 7 हो गई है, जो अपने आप में एक अद्भुत रिकॉर्ड बन गया है। मंगलवार को भारत की तरफ से सिंहराज अधवा ने ब्रॉन्ज मेडल ऊंची कूद में जीत लिया, तो वहीं भारत के स्टार खिलाड़ी और जिनसे सभी गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो थे मरियप्पन थंगावेलु। लेकिन मरियप्पन थंगावेलु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीत लिया। वहीं ऊंची कूद में ही शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, तो 3 मेडल मंगलवार को और मिल गए और भारत पदक तालिका में अब 30वें स्थान पर आ गया है 10 मेडल के साथ। इस 10 मेडल में भारत के 2 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। तो टोटल भारत अभी तक पैरालंपिक में 10 मेडल जीत चुका है और खिलाड़ी से उम्मीद पदकों की उम्मीद जारी है।